हेलो दोस्तों, मैं मलाई जाना, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। फोन पे अभी न्यू अपडेट लेके आया है जो सारे आदमी के लिए बैड न्यूज है। फोन पे पहले फ्री था, अभी चार्ज लगा रहा है। मोबाइल रिचार्ज पर कितना चार्ज लगा रहा है, क्या क्या चार्ज लगा रहा है, चलिए देखते हैं वीडियो में। मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, सारे वर्ल्ड में अभी मोबाइल फोन सारे लोग यूज करता है और लोग डिजिटल पेमेंट ज़्यादा यूज करता है। डिजिटल पेमेंट पे लोग 10 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक रिचार्ज करता है। उस फायदा को लेकर फोन पे ने बड़ा झटका लगाया है। फोन पे रिचार्ज का ऊपर चार्ज लगाया है। देखिए, सारे कंपनी पहले फ्री दे रहा है, जब उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है वो कुछ टाइप से पैसा लेने के लिए सोचता है। उसी टाइप से अभी फोन पे सोच लिया है, अभी फोन पे पैसा लेना शुरू कर दिया है। जैसे जियो सिम पहले फ्री में दिया, उसका बाद टॉपअप डालना पड़ा, उसी प्रकार फोन पे अभी चार्ज ले रहा है। देखिए फोन पे क्या चार्ज लगाया है। फोन पे ओनली रिचार्ज पर चार्ज लगाया है। फोन पे से 50 रुपये तक रिचार्ज पर कोई चार्ज नहीं ले रहा है। 50 रुपये से 100 रुपये का रिचार्ज पर 1 रुपया चार्ज ले रहा है। 100 रुपये से ज़्यादा रिचार्ज पर 2 रुपया चार्ज ले रहा है। उसी हिसाब से दूसरा ऑनलाइन पे कंपनी गूगल पे, पेटीएम, अमेजन ने कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगाया है, ओनली फोन पे ये चार्ज लगाया है। फोन पे अभी रिचार्ज छोड़ के दूसरा पेमेंट पर चार्ज लगाया नहीं है, ओनली रिचार्ज पर लगाया है। भारत में सारे ऑनलाइन पेमेंट आपसे ज़्यादा फोन पे का ज़्यादा यूज होता है। सितंबर महीना में फोन पे का बिजनेस 165 करोड़ कारोबार हुआ है। उसी हिसाब से देखिए, फोन पे 1 रुपया करके लेगा तो कितना पैसा उनको मिल जाएगा। सारे ऑनलाइन कारोबार से ज़्यादा है फोन पे। फोन पे पर 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स अभी है। सारे दुनिया अभी डिजिटल पेमेंट पर चल रहा है। छोटा छोटा पेमेंट से लेकर बड़ा पेमेंट तक डिजिटल पेमेंट पर लोग भरोसा करता है। उसी बिजनेस को लेकर अभी फोन पे ज़्यादा बड़ा झटका लगाया है और पैसा वसूल करना शुरू कर दिया है। आप लोग उसी हिसाब से कारोबार करिए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सोच समझ कर आपका रिचार्ज आप करिए।